हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज हम थोड़ी सी बिटकॉइन के एनालिसिस तो जरूर करेंगे, ऐसे करना चाहिए, जबकि हर कोई जो है वो इस चीज के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, सुबह शाम सोते जागते खाते पीते घूमते यही चल रहा है, ये सोच के कि भाई इससे बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है, ठीक है, और ये हमारी ज़िंदगी बदल देगा। अब ये चीज़ आपकी हमारी ज़िंदगी बदले ना बदले, उसके ऊपर बहुत लॉजिकल चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि हैमस्टर कॉम्बैट जो है, जिसके ऊपर हर कोई अभी 5-5 मिनट में कुछ ना कुछ अपडेट्स दे रहा है, अपडेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अपडेट्स देते जा रहा है। ठीक है, पहले ढोल नगाड़ा पीटा जाता था कि भाई ये हैमस्टर कॉम्बैट से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से अब वापस से ढोल नगाड़ा पीटा जा रहा है कि ये स्कैम है, इसको एक्सपोज कर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने देखिए ऑनलाइन इन सब चीज़ों पर बहुत पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया, हार्डली मुझे एक दिन का वक्त लगा है, ओके, पूरी चीज़ निकाल ली है कि हैमस्टर कॉम्बैट जो है ये क्या है, इससे आपका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या किसी और का फ़ायदा होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो मार्केट का जो हाल है वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखिए, BTC की जो प्राइस है 64,500 के आसपास चल रहा है, कोशिश की थी इसने वापस ऊपर आने की, 66,000 के आसपास गया था, वापस वहाँ से लड़खड़ा के नीचे की तरफ आ गया। अब ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक बेरिश सेंटीमेंट के अंदर है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा जो पड़ा है वो ऑल्टकॉइंस के ऊपर पड़ा है। ऑल्टकॉइंस जो है बहुत नीचे आ गए, 50% ये सब नीचे की तरफ चल रहा है। मैटिक की बात करते हैं तो जब मैटिक 96 के आसपास था, $1 ऊपर चल रहा था, तब सोच रहे थे यार वापस से किसी तरह 60-70 सेंट के आसपास आ जाएगा तो हम उठा लेंगे। राइट नाउ अराउंड 55 सेंट के आसपास शायद चल रहा होगा, इट्स अ वेरी गुड पिक, आप ले सकते हैं। जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म का रखो कि हाँ भाई मेरे को लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। अभी BTC की प्राइस यहाँ से 70,000 के आसपास चले जाएगी, सारे ऑल्ड कॉइन जो होंगे 40-50-100% ऊपर मार देंगे, तब आप बैठे रह जाओगे। क्यों बैठे रह जाओगे, क्योंकि आपका जो ध्यान था वो यहाँ पे था। ठीक है, करते रहो, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, टप टप करते रहो, अच्छी चीज़ क्यों है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो आपको जो फोकस होना चाहिए राइट नाउ वो ऑल्टकॉइंस पे होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है कि ऑल्टकॉइंस अभी आपको सब रॉक बॉटम प्राइस से मिल रहे हैं, बट क्योंकि मार्केट काफ़ी स्टडी चल रहा है, साइडवेव्स चल रहा है, तो शायद आपका माइंड कह रहा होगा कि नहीं यार ये तो साइडवेव्स चल रहा है, ये तो नीचे नीचे आएगा। मेरे हिसाब से जून महीना ख़त्म होने वाला है, जुलाई के अंदर भी मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइडवेव चल सकता है, और जब तक कि US इलेक्शंस ख़त्म नहीं हुए आते हैं, क्योंकि ट्रंप है, क्रिप्टो को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस चीज़ में ज़्यादा हाइप बना है वहाँ जाते हैं। जैसे अभी हैमस्टर कॉम्बैट हाइप बना है, सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट जो प्लस में चल रहे हैं, सारा जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो वहाँ जा रहा है। ओके, तो वहाँ जा रहा है, तो टाइम जब आएगा, जब US इलेक्शंस काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन आने वाला है, कौन क्रिप्टो प्रो है, तो अकॉर्डिंगली सारा जो पैसा है वापस से क्रिप्टो के अंदर आएगा। तो अभी एक माहौल बनाया जा रहा है प्राइस को नीचे लाने के लिए, लेकिन जो बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो चीज़ों को ले रहे हैं। ओके, तो मैं तो बस ये सलाह दूंगा कि काफ़ी अच्छा खासा मौका है, चीज़ों को बाय करो। मेरे जो जानने में लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जिनसे मेरी बात वगैरह होती है, उनके मैसेज आते हैं कि हर एक डिप पे वो थोड़ा थोड़ा जो पैसा होता है 5-10% लगा के ले रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि भाई जब क्रिप्टो का इतना बड़ा नाम हो चुका है तो ये ख़त्म नहीं होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि यहाँ से एक नेक्स्ट रैली हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो फोकस करो ऑल्टकॉइंस पे, BTC पे, सारे जो अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, तो वहाँ पे मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर और अपडेट्स आते रहेगी। और दूसरी चीज़ हैमस्टर कॉम्बैट पे हमारे, उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेक श्योर आप सब्जी के मुझे फॉलो करें ताकि मैं आपको API बॉट का एक्सेस दे सकूँ। कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको आपका API वगैरह लगाना है, स्टार्ट हो जाएगा, कोई फीस नहीं है। फीस क्या है कि जस्ट यू हैव टू फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आप सपोर्ट दिखाओगे तो भी मैं यहाँ से सपोर्ट दूंगा ना। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, तो हमारी जो ताली है उसमें पैसे की घनघनाहट नहीं है, इसमें सिर्फ सपोर्ट का घनघनाहट है, तो सपोर्ट बनाओ, सब चीज़ आपको मेरे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके, अब बात आती है हैमस्टर कॉम्बैट की, तो हैमस्टर कॉम्बैट की यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ना एक
स्टार्टिंग से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली हैमस्टर कॉम्बैट वर्क्स, इसके अंदर कोई एडिशनल टिप्स ट्रिक्स है कि नहीं है, जो लोग दावा करते रहते हैं हमेशा कि भाई इसको कर लेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी चीजें उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि एक्सचेंजेस का रोल क्या है, क्या सही में एक्सचेंज पर लिस्ट होगी नहीं होगी, प्री लिस्टिंग की जो बातें चल रही हैं, जो अमाउंट दिख रहा है क्या वैसा हो सकता है, कितना टोकन हमको मिल सकता है, एयर ड्रॉप कैसे हो सकता है, क्या मेरे स्क्रीन पे 1 बिलियन दिख रहा है तो मुझे 1 बिलियन टोकन्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, सब पे मैं आपको लॉजिकली सारी चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने नेट से निकाला है, पुख्ता सोर्सेज से निकाला है, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा और इनका मेन मकसद क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। सबसे पहले हैमस्टर कॉम्बैट क्या है, ठीक है, ये आपका एक क्लिकिंग गेम हो गया, उन्होंने काफ़ी क्लियर लफ्जों में कहा उनके जो फाउंडर हैं सीईओ ने कि भाई इट्स नॉट ए मीम कॉइन, इनकी शुरुआत जो इन्होंने की है इट्स जस्ट ए गेम ताकि यूजर्स का इंटरेक्शन ले सके, यूजर्स ग्रैप कर सके, नेटवर्क बड़ा किया जा सके, तो यहाँ से उनको अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला है। राइट नाउ कह सकते हैं कि 150 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इनके साथ जुड़ चुके हैं जो इस गेम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नेटवर्क बहुत बना दिया है। अब नेटवर्क बड़ा कर दे तो उसे फ़ायदा क्या होगा, देखिए कोई भी बिजनेस है, धंधा पानी है, ठीक है, आपको कुछ भी बेचना है, कंपनी चला रहे हो, कुछ भी चीज़ सेल करनी है, आपको यूज़र्स चाहिए रहते हैं। तो अभी राइट नाउ जिसके पास जितने ज़्यादा यूज़र्स हैं उसकी वैल्यू है, उसकी मार्केट वैल्यू है, हर चीज़ है। तो जैसे व्हाट्सएप ने इतने सारे यूज़र्स का पूरा एक डेटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, अब उस डेटा को किस हिसाब से यूज़ करते हैं आप और हम सब जानते हैं, कितना मोटा मोटा पैसा कमाते हैं। टेलीग्राम भी उसी तरह का है, इसके दुनिया भर में ऑलरेडी बहुत सारे यूज़र्स हैं, टेलीग्राम ने क्या किया कि टेलीग्राम प्रीमियम भी स्टार्ट करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। उन्होंने टॉन चेंज जो है उसको लॉन्च कर दिया, टॉन जो है इस कॉइन को हमने कवर अप किया था, बहुत पहले किया था जब इसकी प्राइस थी 0.96 के आसपास, तब हम बात करते थे ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है, $60 $8 के आसपास चले गया, ये जो है ये और अच्छा खासा जाएगा, $12 से ऊपर ये मार देगा, टॉन कॉइन लिख के ले लो, ठीक है। तो टॉन चेन उन्होंने लॉन्च किया, उसके ऊपर ये गेम डाल दिया, ठीक है। अब ये जो गेम है इसके अंदर कुछ धांधलीबाजी नहीं हो सकती कि आप हार से कुछ कर दो ये कर दो, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा क्लिक करने के लिए साइकिल के नीचे चलाओ या पंखे से बांध दो या बाइक के नीचे लगा दो, टायर घूमता रहता है, बहुत सारे टेक्निक, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके ऐप पे क्लियर कट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अर्न टैप जो है, ठीक है, उसकी आप टैप्स को इंक्रीज कर सकते हैं बाई बूस्टिंग, ओके। उसके साथ ही आपको यहाँ पे दो चीज़ का ज़्यादा फोकस करना है, साइबर कोड जो होता है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रोज़ रात को 12:30 बजे मिल जाएगा, जैसे ही आता है हम आपके साथ शेयर करते हैं, 1 मिलियन टोकन वहाँ से मिल जाएगा। उसके साथ कॉम्बो कार्ड्स की जो सीक्वेंस होती है वो हम आपको बता देते हैं, जो आप माइनिंग के अंदर जाके उन कार्ड को आप बाय कर सकते हैं यूजिंग योर अर्न कॉइन्स, तो आपको वहाँ पर 5 मिलियन टोकन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे उसको खेलो, ओके, और धीरे धीरे अपने पॉइंट्स को बढ़ाते रहो, ज़्यादा पूरा टाइम मत लगाओ, ठीक है, दिन में मुश्किल से आप पूरा दिन का भी कैलकुलेट करेंगे 20 मिनट से ज़्यादा आपका इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको जो आपकी बूस्टिंग पावर यूज़ करने में हार्डली मेरे ख्याल से 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो रही बात ये, मेरे ख्याल से आप सब लोग को आता होगा, इसके अलावा इसमें और कोई एडिशनल टिप्स ट्रिक्स नहीं है जिससे आप ज़्यादा कर सको। मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है जो उन्होंने भी मेंशन किया अपने ट्विटर पे कि वी विल फोकस ऑन दी अर्निंग पर आवर, अर्निंग पर आवर आपका कितना है उसके ऊपर, टोकन्स अमाउंट पे नहीं कि 1 मिलियन 2 बिलियन को नहीं, अर्निंग पर आवर क्या है। तो अर्निंग पर आवर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनिंग में जाके सारे जो कार्ड्स वगैरह थी ना उसको बाय करते रहो अपने कॉइन से, तो आपकी अर्निंग पर आवर बढ़ती रहेगी, ओके, ये चीज़ आपको करना है। अब बात आती है एक्सचेंज की, बात कर देते हैं कि क्या एक्सचेंज को सही में लिस्ट करेंगे। देखिए पहले जो एक्सचेंज जो थे वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो इसको सोच रहे थे कि भाई ये भी कोई आंडू पांडू कॉइन है, आ गया है वैसे वैसे खत्म। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई इसने अपनी जो ग्रोथ है ज़बरदस्त कर ली, महीने भर के अंदर यूट्यूब पे 26 मिलियन ट्विटर पे आप कह सकते हैं कि 8.6 मिलियन से ऊपर इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है, इतना बड़ा यूज़र बेस बन गया है, तो भैया इस मौके को कौन छोड़ेगा। एक्सचेंज को पता है कि अगर हम लिस्ट करेंगे तो सारे यूजर्स हमारे पास आएंगे, जिनके अकाउंट में वो रजिस्टर करेंगे, वो डिपॉजिट करेंगे, वो एक्स्ट्रा कमाई होगी, और जब वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ट्रांजेक्शन फीस जो असली मलाई होती है वो एक्सचेंज को मिलेगी। तो पहले एक एक्सचेंज आया, फिर दूसरा एक्सचेंज आया, सारे एक्सचेंज अनाउंस करते कि भाई हम भी इसको लिस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो एक्सचेंज पे ये लिस्ट तो 101% होगा ही होगा, ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब दूसरा एक्सचेंज क्या लेके आ रहे हैं कि प्री लिस्टिंग ला रहे हैं ट्रेडिंग। तो प्री लिस्टिंग इसलिए लेके आ रहे हैं
क्योंकि यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि सारे एक्सचेंज आ गए, तो भाई अब मेरे पास ज्यादा यूजर्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भाई मैं प्री लिस्टिंग दिखाता हूँ ताकि लोगों का माइंड में लगे भाई हम सबसे पहले इसको करने वाले हैं, हमारे यहाँ पे ये प्राइस मिलने वाला, ये मिलने वाला है। कोई दिखा रहा है 0.001 दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है कि 5,000 में इतना बड़ा पैकेज मिलेगा, फलाना ढिकाना दिखा रहे हैं, ठीक है, लोगों का काटने वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अभी भी हैम्स्टर कॉइन की प्राइस जो है कितनी होगी कोई फिक्स नहीं है, वो बाद में डिसाइड होगा जब आप जो एक ऑप्शन जो है ना, एयर ड्रॉप वाला ऑप्शन जो है, जब ट्रॉन वैलेट आप कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पे आपको दिखता है कि एयर ड्रॉप यहाँ पे लिस्ट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन अर्निंग पर आवर आपको एयर ड्रॉप के अंदर टास्क वहां पे दिखेंगे, उन टास्क को जब आप कंप्लीट कर दोगे तो जैसे आप टास्क कंप्लीट करते हो अकॉर्डिंगली आपको टोकन्स मिलेंगे। अब ये भी हो सकता है कि 1 बिलियन टोकन है तो उसके बदले आपको 100 हैम्स्टर मिले, ठीक है, तो आपको ज्यादा टोकन मिले या कम मिले, ठीक है, आप माइंड में ये कर लो कि उसकी जो वर्थ होगी डेट विल नॉट बी मोर देन 50, 100, 500 या मैक्सिमम 1,000, उससे ज्यादा नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि 150 मिलियन यूजर्स है, इतना सारा पैसा अगर बांटेंगे तो लिक्विडिटी भी चाहिए, वो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। उसके साथ ही एक्सचेंजेस पे जब लिस्ट होते हैं तो एक्सचेंज को ये मोटा हिस्सा टोकन्स का देते हैं, जो एक्सचेंज जब भी टोकन को लिस्ट करते हैं सबसे पहला डंप उनका ही होता है, ठीक है, वो उसको डंप करते हैं, तो सारे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, सभी जगह से टोकन डंप होंगे, आपके हमारे पास 54, 58 वाले टोकन होंगे, ठीक है, वो हमको सेल करेंगे, मौका नहीं मिलेगा, वी नेवर नो, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये बात रखो कि इसकी प्राइस या तो ज़्यादा होगी तो टोकन सबको बहुत कम मिलेंगे, अगर आपको टोकन ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसकी जो प्राइस होगी बहुत कम होने वाली, 0.00001 के आसपास कुछ होने वाली है, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये माइंड से निकाल लो कि ये आपको रातों रात करोड़पति ऐसा बना देगा, अंबानी बना देगा, भूल जाओ, ठीक है। हाँ, वो टोकन से एक दिन का कुछ राशन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है घर का, ओके। अब बात आती है कि ये स्कैम वगैरह तो नहीं है कुछ, देखिए क्योंकि ये फ्रंट एंड आपसे कुछ पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई स्कैम वाली चीज़ नहीं है। हाँ, इन्होंने नेटवर्क काफ़ी अच्छा क्रिएट कर लिया, यूज़र बेस काफ़ी अच्छा खासा बना लिया ताकि इनिशियल प्रोजेक्ट पर इनको इतनी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिली है, तो टॉन चेन के ऊपर और भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन द चेन, टॉन के ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो प्राइस है अच्छी खासी ऊपर जाएगी, क्योंकि जो भी नए प्रोजेक्ट्स इस चेन के ऊपर आएंगे तो उनकी जो फीस होगी, ठीक है, डेट विल बी पेड थ्रू द टॉन, ओके, जैसे BNB का होता है, BSC पे जब लॉन्च होता है तो होता है, ओके, तो इस पर आपको फोकस करना है ऑन द टॉन टोकन। बाकी ये सारे तो प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, ये आएगा, नॉट कॉइन भी आया था, वो आया था, गायब हो गया, ये भी आया था, ये भी डंप हो जाएगा, फिर नीचे नीचे साइड बाई चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास अभी कॉइन्स पड़े ना तो खरीदार कहाँ से आएगा, ओके। तो ये एक हाइप तो क्रिएट की जाएगी लिस्टिंग के टाइम पे ताकि खरीदार भी आए, ठीक है, और वो पैसा लगाए, लिक्विडिटी हो ताकि सेलर का भी पैसा निकलता जाए, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस हिसाब से आपको देखना है, स्कैम वगैरह ये नहीं है, ये चलेगा, ठीक ठाक चलेगा, बट इससे ज़्यादा बड़ी उम्मीद रखना मेरे हिसाब से अकलमंदी नहीं होगी, ओके। ऑल आई वुड सजेस्ट राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, ट्रेडिंग, इस पर फोकस करो। अभी आपका ध्यान जो है वो पूरा इधर हो गया है, आपकी आंखों के सामने सिर्फ हैम्स्टर दिख रहा है, हैम्स्टर दिख रहा है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने ये नहीं दिख रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स इतने नीचे हैं, उनको ग्रैब करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, मौका अच्छा है, पैसे काफ़ी यहाँ पे डबल हो सकते हैं, इसमें करोगे कितना मिलेगा, 1,000 मिल गया, 2,000 मिल गया, $5,000 मिल गया। लेकिन आपने ये जो ऑल्ट कॉइन्स की जो बॉटम मिस की है वो हो सकता है $50,000 हो, $1,00,000 हो, बिना बनो, ठीक है। तो इस वीडियो को बस यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, और हैम्स्टर कॉम्बैट टोकन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करना, जेन्युइन आंसर देने की कोशिश करूंगा, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूंगा, लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करूंगा ताकि आप ठीक तरीके से उस पर फोकस कर सके, मेन ट्रेडिंग पे फोकस कर सके और पैसा कमा सके, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और उसके साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इस जगह फॉलो कर दो ताकि वहाँ पर फटाफट आपको कुछ ना कुछ मैं डिटेल्स शेयर करता रहूँगा, ठीक है। और हाँ, API का एक्सेस भी चाहिए तो प्लीज़ फॉलो ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।